paper print error. Printer error. Printer error. No print. Printer paper down. No print. Please no print. Printer error. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इप्सन के यल सीरीज प्रिंटर की। लाइट ब्लिंकिंग का मतलब ऐसा नहीं होता है कि केवल सॉफ्टवेयर से दिक्कत है, इसमें और भी प्रॉब्लम आती हैं और इसके लिए हमारे पास बस एक ही सलूशन होता है कि सॉफ्टवेयर दिक्कत है। तो आज हम समझेंगे लाइट ब्लिंकिंग से प्रिंटर के प्रॉब्लम को कैसे हम पकड़ सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंटर को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद जो है हम इसको दोबारा ऑन करेंगे, लेकिन दोबारा ऑन करते समय इस बात का हम ध्यान देंगे कि आसपास शोरगुल बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम पकड़ेंगे ये इसके साउंड से ही पकड़ेंगे। इस प्रिंटर में जो है जब प्रॉब्लम रहेगी तो हल्की सी आवाज आती है और वो आवाज सुनने के लिए शोरगुल नहीं होना चाहिए। तो प्रिंटर को हम ऑन करते हैं। यदि ऑन करते समय बहुत हल्की सी आवाज हमें सुनाई देगी, यदि आपकी आवाज इस तरह की है, यदि ये आवाज आ रही है, इस साउंड के बाद यदि आपका लाइट 2-3 सेकंड में जल जाता है, सर्विस रिक्वायर्ड का जो लाइट होता है उसमें कोई भी पार्ट मूव नहीं करता है और ये जो साउंड आ रहा है इसका मतलब ये है मोटर पे लोड पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका गियर कहीं जाम है और ज्यादातर इस गियर जाम का प्रॉब्लम जो है इस गियर से आती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम प्रिंटर के पीछे यहाँ हाथ डालेंगे। हाथ डालने के बाद इस गियर को हम हल्का सा नीचे की तरफ टर्न कर देते हैं। घूम जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हल्का सा हम इसको घुमा देते हैं नीचे की तरफ पे, और घुमाने के बाद जब हल्का सा टर्न हो जाएगा तो हम फिर प्रिंटर को ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद फिर हम इसको ऑन करेंगे। यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो ठीक है, नहीं तो आपका ये पीछे का गियर जो होता है, इसको LD गियर बोलते हैं, कहीं हर जगह अलग अलग नाम है इसका, इस गियर को चेंज करवाना पड़ेगा। यदि आपको गियर रिप्लेसमेंट या गियर बदलने का तरीका या गियर रिपेयर करने का तरीका यदि आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इसका भी वीडियो हम अपलोड कर